SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। DLED सेकेंड ईयर की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं उस विषय का नाम है बच्चे व सीखना। देखो प्यारे बच्चों, हम जो पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वो बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में काफ़ी में हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए थे, और जो नेक्स्ट वीडियो गया है उसमें बुद्धि परीक्षण हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि के परीक्षण। यहाँ हम अगर चर्चा करें, बुद्धि परीक्षण का मतलब है बुद्धि की जांच करना, कि एक बालक के अंतर्गत किस तरह की बुद्धि पाई जाती है, उसकी जांच कैसे की जाए, इस प्रकार कार्य किया गया था। तो बुद्धि परीक्षण का पहली बार शब्द का उपयोग तो R.B. केटल ने 1890 ईस्वी में किया था। R.B. केटल ने बुद्धि परीक्षण शब्द का पहली बार उपयोग 1890 में किया, लेकिन पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहली बार बुद्धि परीक्षण किया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य में चर्चा दोबारा कर देता हूँ। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत वह बुद्धि परीक्षण जिसमें एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि की जाँच की जाती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की जाँच की जाती है, उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। उस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में मैं दो प्रकार के और परीक्षण पढ़े थे, उसमें वाचिक और अवाचिक, व सामूहिक में भी वाचिक और अवाचिक बुद्धि परीक्षण पढ़े थे हमने। उसके बाद में बुद्धि परीक्षण के विभिन्न शब्दावली या आयु की बात की थी, क्योंकि हमने कहा था कि बुद्धि परीक्षण किसके आधार पर किया जाता है, वास्तविक आयु के आधार पर किया जाता है। उस वास्तविक आयु को मनोविज्ञान की भाषा में क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, कालानुक्रमिक आयु, और उसी के आधार पर हमने मेंटल एज, मानसिक आयु, बेसिल एज, बेसिक आयु, टर्मिनल एज, शैक्षिक आयु, इन सब की हमने चर्चा की थी, एजुकेशन एज की भी। उसके साथ ही हमने उसके एक सूत्र की बात की थी, बुद्धि परीक्षण का पहला सूत्र या विचार तो किसने दिया था? बुद्धि परीक्षण का पहला विचार देने वाले व्यक्ति अल्फ्रेड बिने थे, लेकिन बुद्धि परीक्षण या कहें बुद्धि लब्धि शब्द का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न ने 1912 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सारणी प्रस्तुत की थी, उसकी चर्चा हम टर्मन के परीक्षण के साथ पुनः करेंगे, क्वेश्चनों की चर्चा भी करेंगे। तो पहला जो बुद्धि परीक्षण था उस बुद्धि परीक्षण की हम बात करते हैं। पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने। देखो विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो बुद्धि परीक्षण या हम कहें कि सिद्धांत, सिद्धांत तो एक व्यक्ति की पर्सनल विचारधारा होती है, लेकिन परीक्षण एक व्यक्ति द्वारा पर्सनल दिया हुआ एक तरीका होता है कि किस व्यक्ति की बुद्धि की जांच कैसे की जाए। अब हमें पसंद आए या ना आए वो अहमियता नहीं रखता है, अहमियता वो रखता है कि उस मनोविज्ञानी की विचारधारा क्या थी। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, वो सही है वो परीक्षण गलत है, वो सिद्धांत गलत है, उसकी परिभाषा गलत है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था, वह व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उन सब क्रियाओं का ही अध्ययन इसमें हम करते हैं। तो अल्फ्रेड बिने, बिने मोदे फ्रांस के थे, इन्होंने इनको प्रतिपादक माना जाता है, और यह सिद्धांत है जो 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में इस सिद्धांत के जो सहायक हैं, यानी अल्फ्रेड बिने को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम था साइमन। साइमन हैं वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और अमेरिका में
बुद्धि परीक्षण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बीने ने ये बुद्धि परीक्षण क्यों किया, क्या आवश्यकता पड़ी इस बुद्धि परीक्षण की, पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने कैसे किया, किस प्रकार किया, उसके अंदर क्या क्या किया। तो पहली तो हुई कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि उन्होंने किया, करना तो बाद की बात है, पहले लोगों ने बीने को क्यों बुलाया और बीने ने क्या कोशिश की इसके माध्यम से बुद्धि परीक्षण किया जाए। तो पेरिस की नगरपालिका में छात्रों को पढ़ाने के लिए बड़ी दुविधा हो रही थी। एक ही विद्यालय के अंतर्गत एक ही कक्षा कक्ष में अलग अलग मानसिक स्तर के बालक थे और वो बालक अलग अलग प्रकार का डिमांड कर रहे थे। कुछ जल्दी पढ़ना चाहते थे, कुछ धीमा पढ़ना चाहते थे, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते थे, कुछ क्लास को डिस्टर्ब करते थे, कुछ आते नहीं थे, यानी एक ही कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की समस्याएं वहाँ शिक्षकों को देखने को मिली और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, अल्फ्रेड बीने मोदे जो बुद्धि से संबंधित बहुत ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और बुद्धि की जांच करने में भी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो उन्होंने बुलाया कि आप देखिए हमारे इन बच्चों को, इनमें क्या समस्या है। उस पेरिस की नगरपालिका की समस्या समाधान करने के दौरान अल्फ्रेड बीने ने उन सभी बालकों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि कुछ बालक उच्च बुद्धिलब्धि वाले हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ न्यून हैं और कुछ में कुछ अपराध प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार की क्रियाविधि देखने के बाद अल्फ्रेड बीने ने एक बुद्धि परीक्षण, उनका अध्ययन करने के दौरान ही एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कर दिया और उस बुद्धि परीक्षण को ही बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। किस बुद्धि परीक्षण को, अल्फ्रेड बीने के बुद्धि परीक्षण को ही बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, ये जो किस आयु वर्ग के लिए, तो जो वर्ग था वो था 3 से 15 वर्ष के जो बालक हैं के लिए उपयोगी था, 3 से 15 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए यह सिद्धांत क्या था, उपयोगी था। अब यहाँ कैसे किया, इन्होंने क्या किया, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए। हमने पहले पढ़ा था बुद्धि वर्गीकरण में, उसमें इस बुद्धि परीक्षण वर्ग को व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण माना था कि इस बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक व्यक्ति की ही बुद्धि की जांच की जा सकती है, लेकिन इसी बुद्धि परीक्षण में हमने कहा था कि प्रश्न बने हुए होते हैं, अर्थात यह बुद्धि परीक्षण वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहलाता है, यानी या तो प्रश्नों को बोलकर सुनाया जाए या शब्दों के रूप में लिखकर छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाए, वह बुद्धि परीक्षण कौन सा है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसने क्या किया, छात्रों के सामने जैसे 3 फर्स्ट क्लास का बालक है, 6 वर्ष का है, तो उसकी बुद्धि की जांच करने के लिए सरल क्वेश्चन डाल दिए, आपका नाम क्या है, आपका गांव कौन सा है, किस विद्यालय में पढ़ते हो, क्लास टीचर का नाम क्या है। तो एक सामान्य आयु स्तर का बालक उन प्रश्नों का जवाब दे सकता है, तो उन्होंने इस प्रकार की क्रियाविधि उनके लिए बनाई। और जो नहीं दे सकता है, कुछ उच्च वर्ग, कुछ क्वेश्चन हार्डली थे, जैसे आपके पिता की बहन क्या लगती है आपकी, या फिर आपकी मम्मी की बहन के पति आपके क्या लगते हैं, ये रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इन सब क्रियाविधियों की जाँच करने के बाद उन्होंने पाया ऐसे ही अलग अलग आयु वर्ग के बालकों के लिए अलग अलग स्तर के क्वेश्चन उन्होंने बनाए और इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो सामान्य बालक के लिए क्वेश्चन बनाए थे उनके कुछ बालक जवाब दे पाए और कुछ नहीं दे पाए। यानी जो क्वेश्चन बनाए वो उच्च आयु वर्ग के लिए नहीं बनाए, फर्स्ट क्लास से लेकर या फिर कहीं विद्यालय में न जाकर प्रथम वर्ष का जो बालक था, जब बालक बोलने लग जाता है और बोलता भी नहीं है तो कुछ क्रियाएं या प्रश्नों के जवाब किसी भी रूप में देने लग जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 2 वर्ष का बालक प्रश्नों के, सरल प्रश्नों के जवाब, नाम पूछने पर नाम बताना, पिताजी का पूछने पर पिताजी का बताना, परिवार के लोगों के, गांव के नाम जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने तय कर रखे हैं उसके आधार पर, मानसिक गुण स्पष्ट होना, जैसे प्याज को प्याज बुलाते हैं बालक से, तो बालक क्या करता है, प्याज को पाद बोलता है
और जब वह पाद बोलता है तो परिवार के लोग उसकी ओर देखकर हंसते हैं, और जब भी वो हंसी आती है परिवार के लोगों को तो बालक समझता है कि मेरे द्वारा बोला हुआ शब्द गलत है। तो जब नेक्स्ट बार उसी समय कोई व्यक्ति कहता है कि बेटा ये क्या है, तो वो पहले सोचेगा कि पिछली बार मैंने इस वस्तु को पाद बोला था तो ये लोग हंस रहे थे, बल्कि इन लोगों ने इसे प्याज बोला था। तो वह अपने क्षेत्रीय जो नाम है, जैसे यहाँ शेखावाटी में इसे कांदा भी कहते हैं, तो कांदा बोलकर उस वस्तु को वह संबोधित करेगा, बल्कि या फिर बोलेगा नहीं। ऐसी क्रियाविधि कि किसके लिए कौन सी क्रिया हो रही है, इसे कहते हैं मानसिक गुणों का स्पष्ट होना। तो वो करने में बालक सक्षम हो जाता है। कितने वर्ष का बालक है? 3 वर्ष का बालक। तो इस प्रकार जब सक्षम हो जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन बनने प्रारंभ होते हैं, और वो प्रश्नों के माध्यम पूछा जाता है और सामने वाला बालक उसका जवाब देता है। तो इसलिए यह वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। लेकिन एक समय में एक ही बालक से प्रश्न पूछा जाता है इस सिद्धांत के माध्यम से, या कहें इस परीक्षण के माध्यम से एक समय में एक व्यक्ति से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस परीक्षण को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि यह परीक्षण है, इसमें अलग अलग आयु के लिए अलग अलग पर नाम से क्वेश्चन बनाए गए, या कहें प्रत्येक वर्ष के लिए एक निश्चित और निर्धारित क्वेश्चन बनाए गए। जैसे मैं बात करूं कि एक बालक है 1 वर्ष का, 1 वर्ष के बालक के लिए 5 क्वेश्चन, 2 वर्ष के बालक के लिए 5, 3 वर्ष के लिए 5, इस प्रकार। लेकिन 4 वर्ष के बालक के लिए इन्होंने 4 क्वेश्चन निर्धारित किए, 5 वर्ष के बालक के लिए 5, 6 वर्ष के बालक के लिए 5, 7 वर्ष के बालक के लिए 5, 8 के लिए 5, 9 के लिए 5, 10 के लिए 5, लेकिन 11 वर्ष के लिए उन्होंने कोई प्रश्न नहीं बताया, 12 वर्ष के लिए 5, लेकिन 13 वर्ष के बालक के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बना, 14 वर्ष के लिए 5 और 15 वर्ष के लिए 5। अर्थात प्रत्येक वर्ष बालक की पूर्ण होगी, उस वर्ष के लिए इन्होंने कितने क्वेश्चन बनाए? 5 क्वेश्चन बनाए। इन 5 क्वेश्चनों का बालक जवाब देता है तो वह 1 वर्ष की पूर्ति कर लेता है। प्रश्न सारे सेम नहीं थे, बालक की मानसिक योग्यता जो उसकी आयु के अनुसार उसकी बढ़ती है उसी के अनुसार प्रश्न बनाए गए थे। जिस प्रकार की उसकी आयु होती है और जो आगे ग्रोथ करता है उसी के अनुसार उसके प्रश्न बनाए गए थे। अब यहाँ बात यह आती है कि 1 वर्ष के लिए 5 तो 2 के लिए 5, इनका लेवल था वो अलग अलग था, अर्थात दोनों का लेवल क्या था? अलग अलग था। 4 वर्ष के लिए 4, मैं इसे 100 शब्दों में अगर सारणी की चर्चा की जाए तो मैं कहूँ कि प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच प्रश्न बनाए गए, प्रत्येक वर्ष के लिए कितने बनाए गए? 5 प्रश्न बनाए गए। लेकिन 4 वर्ष का बालक है उसके लिए कितने क्वेश्चन बनाए गए? 4 ही क्वेश्चन बनाए गए। और दूसरी चर्चा दो भिन्न क्या हैं? 11 और 13। तो 11 वर्ष के बालक के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था और 13 वर्ष के बालक के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अब मैं को कितने वर्ष हुए टोटल, कितने बालक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं? तो हमारे यहाँ पर बालक टोटल बालक शामिल होते हैं 13। कितने बालक होते हैं? 13, क्योंकि एक ये गया और एक ये गया, तो 1, 2, 3, 4। लेकिन 5 वर्ष वाले हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पंजे तो कितने होते हैं? 65 होते हैं। ठीक है, अब शोरी यहाँ मैंने थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि 3 से 15 के लिए था तो 2 ये ख़त्म हो गए, अगर जन्म से होता तो टोटल ये भी काउंट होता, लेकिन 2 हो गए। अब 3 से 15 के लिए किया जाए तो बालक टोटल कितने हो गए? 11। 1, 2 वर्ष के चला गया और 11 और 13 चले गए, 4 गए, तो 15 में 4 जाते हैं तो 11 बचते हैं, 11 पैंड 55। 4 वर्ष के लिए 4 है 5 नहीं, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितने हो गए? 54। टोटल क्वेश्चन
1905 में 54 दिए गए थे। टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए? 54 दिए गए, प्रस्तुत किए गए। कई बार पूछता है कि कितने क्वेश्चन प्रस्तुत किए गए थे, तो 54% प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन बाद की आयु काल में इसमें कुछ संशोधन हुआ था। बाद की आयु काल में क्या हुआ था? कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। तो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए प्रश्न निर्धारित किए गए, 4 वर्ष के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि 5 वर्ष के बालक के लिए कितने क्वेश्चन थे, 8 वर्ष के बालक के लिए कितने क्वेश्चन थे, तो 5-5 थे। पूछा जाता है 11 वर्ष के बालक के लिए कितने क्वेश्चन थे, तो 11 वर्ष के बालक के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था, 13 वर्ष के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था, तो 4 वर्ष के बालक के लिए कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। और कुल क्वेश्चन 1905 में कितने दिए गए? 54 क्वेश्चन दिए गए। इसके बाद की बात की जाए तो 1908 में एक कॉन्सेप्ट और दिया बिने ने, जो बहुत ही फेमस आ रहा और बहुत बार आरपीएससी से पूछती है, बोर्ड भी उसे पूछता है। उसे हम कहते हैं मानसिक आयु। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? बीने ने दिया। किसने दिया? बीने ने दिया। इसके बाद की बात करें तो 1913 में मानसिक आयु का संप्रत्यय तो किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। लेकिन 1911 में इन्होंने फिर से संशोधन किया। कब किया? 1911 में इन्होंने क्या किया? फिर से संशोधन किया। और उस संशोधन में इन्होंने क्या किया कि ये जो परीक्षण था जिसमें प्रश्न कितने दिए गए थे, 54, इनको बढ़ाकर, इन 54 क्वेश्चनों को बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 59 क्वेश्चन। अगर पूछा जाता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में कितने क्वेश्चन हैं, तो कितने क्वेश्चन हैं? 59 क्वेश्चन हैं। निर्माण के समय कितने थे? 54 थे। और अब कितने हैं? 59 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस प्रकार ये बिने साइमन। अब मुख्य क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन तो है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया? बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। कब दिया? 1905 में। पूछा जाता है बिने के बुद्धि परीक्षण में किसने सहायता प्रदान की? साइमन ने। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यह बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी था? तो यह बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के आयु के बालकों के लिए महत्वपूर्ण था। कैसा था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था और वाचिक बुद्धि परीक्षण या कहें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें कुल क्वेश्चन कितने? तो 1905 में 54 क्वेश्चन, लेकिन वर्तमान में कितने क्वेश्चन हैं? 59 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? तो मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। साइमन का नाम नहीं आएगा, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। यह है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको तैयार करो और अच्छे से ग्रहण करो। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।